हेलो फ्रेंड्स, आई एम आचल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आरपीएससी ए एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। तो आज को वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, उसी के पास एक बेल आइकन है जिसको दबाना आप ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप ये वीडियो प्लीज़ कम्प्लीट देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जो कि 916 असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए अवेलेबल था। तो असिस्टेंट इंजीनियर में सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर असिस्टेंट की पोस्ट अवेलेबल थी। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करे थे और इसके एग्जामिनेशन में अपेयर हुए थे, वे इसके एडमिट कार्ड का वेट कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिपार्टमेंट इसका सिलेक्शन 3 क्राइटेरियाज पे कर रहा है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और वाइवा वॉइस। तो फर्स्ट, जैसे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आता है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और उसका रिजल्ट आ चुका है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब जो भी कैंडिडेट इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर गए हैं, अब वो मेन एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके मेन एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं, वे इसके एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिपार्टमेंट इसका मेन एग्जामिनेशन 19 जुलाई 2019 को कंडक्ट कर रहा था, लेकिन किसी वजह से उसका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है। तो जैसे कि डिपार्टमेंट ने इसका एग्जामिनेशन की डेट रिलीज कर दी है और डिपार्टमेंट इसके एग्जामिनेशन 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसे कि इसके एग्जामिनेशन 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हो रहा है, तो इसके एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका ऑफिशियल लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से इजीली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद एग्जाम सेंटर्स पे आपको कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने पड़ेंगे। तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स में मीन्स मतलब जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, जिनकी वैलिडिटी हो, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड एक्सेट्रा। आप इसमें से कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो आपको याद रखने होंगे, कि आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम सेंटर पर 30 मिनट्स पहले पहुंचना होगा, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम सेंटर पर 30 मिनट्स पहले पहुंचना होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड भूल ले जाएंगे, वही एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।